एक मजेदार अंग्रेजी कहावत है, यू आर व्हाट यू ईट, यानी आप वो हैं जो आप खाते हैं। और ये कहावत इस उम्र में और भी ज्यादा सच हो जाती है जब हम बहुत सारी जिस्मानी तब्दीलियों से गुजर रहे होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि नौजवान लड़कियां कैसे अपने खाने की आदतों में मौजू गजाइत का ख्याल रखकर अपने आप को सेहतमंद रख सकती हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गजाइत क्या होती है। किसी खुराक के अंदर पाए जाने वाले अज्जा का तायुन करके किसी भी खुराक का हमारी सेहत के लिए किसी वक्त फायदेमंद या नुकसानदेह होने का फैसला कर सकती है। मसलन एक घर के आटे की रोटी जिसका वजन 40 ग्राम हो, उसमें तकरीबन 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 3 ग्राम प्रोटीन और बहुत छोटी मिकदार में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और आयन के गजाई अज्जा होते हैं। इन सब गजाई अज्जा के तनासुब का हिसाब लगाकर हम किसी खुराक के जिस्म को ताकत देने का अंदाजा लगा सकते हैं, जिनको कैलोरीज कहते हैं। इस हिसाब से ये 40 ग्राम की रोटी तकरीबन 100 कैलोरीज की ताकत रखती है। अब यही रोटी घी के साथ बनाई जाए तो इसमें बाकी गजाई अज्जा के साथ साथ 3 ग्राम तक तेल भी शामिल हो जाता है और इस रोटी की कैलोरी 100 से बढ़कर 120 हो जाती है। हमारे इंसानी जिस्म को रोजाना की बुनियाद पर एक मखसूस मकदार की कैलोरीज की जरूरत होती है। साइंस के मुताबिक 10 से 19 साल की लड़कियां रोजाना की बुनियाद पर औसतन 2200 से 2500 कैलोरीज इस्तेमाल करती हैं। अगर रोजाना की बुनियाद पर आप इससे कम कैलोरीज खाएंगी तो आपको कमजोरी महसूस होगी और आपकी जिस्मानी नशोनुमा भी सही तौर पर नहीं हो पाएगी। इसी तरह रोजाना की बुनियाद पर इससे ज्यादा कैलोरीज खाने और वर्जिश ना करने से आप मोटापे और दीगर बीमारियों का शिकार भी हो सकती हैं। किसी भी चीज़ की ज्यादती नुकसानदेह होती है, इसीलिए ज़रूरी है कि मुख्तलिफ गजाई अज्जा से बनी एक मुतवाजन गजा की मदद से ये कैलोरीज हासिल की जाएं। एक मुतवाजन गजा में तमाम गजाई अज्जा एक मखसूस तवाजन में मौजूद होते हैं। तेल या चर्बी बढ़ते जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ी मकदार में ज़्यादा तवानाई फराहम कर सकते हैं। 10 से 19 साल के बच्चों को अपने रोजाना की टोटल एनर्जी में से 25% तेल और चर्बी से चाहिए होती है। नाश्ते में अंडा, दिन के दौरान हल्का पुल्का खाने के लिए मूंगफली, बादाम, सूरजमुखी के बीज और रात के खाने में दही, तेल और चर्बी के अच्छे जराए हैं। प्रोटीन जिस्म के मौजूदा मसल्स को बरकरार रखता है और बढ़ते हुए जिस्म के लिए इंतहाई जरूरी गजाई जुज है। नौजवान लड़कियों के लिए रोजाना 45 से 60 ग्राम प्रोटीन जरूरी होता है। प्रोटीन अंडे, दूध, गोश्त, चिकन, चने, दाल और लोबिया से हासिल किया जा सकता है। कैल्शियम हड्डियों की नशोनुमा और मजबूती के लिए बहुत जरूरी है और रोजाना 1 से 2% तक गजाइयत कैल्शियम की शक्ल में होनी चाहिए। दूध, मलाई, दही, देसी मक्खन और पनीर के अंदर कैल्शियम का सबसे पाया जाता है। आयन और जिंक के गजाई अज्जा 12 से 15 मिलीग्राम रोजाना की मकदार में दरकार होते हैं। साग और सब्ज पत्तों वाली सब्जियों में आयन और मकई, भूरे चावल और आटे में जिंक कुदरती तौर पर पाया जाता है। इन सब गजाई अज्जा के अलावा रोजाना की गजा में फोलेट्स का होना भी बहुत जरूरी है, जो कि बढ़ते हुए बच्चों की सही जिंसी और तौलीदी नशोनुमा के लिए अहम है। फोलेट्स फलों, डबल रोटी, दूध, सूखी लोबिया और दालों में पाए जाते हैं। गजाइयत का ख्याल रखने के साथ साथ खाने के औकात का भी ख्याल रखना जरूरी है। बढ़ती उम्र की लड़कियों के लिए जरूरी है कि सुबह का आगाज नाश्ते से करें और इसी तरह दोपहर और रात का खाना भी वक्त पर जरूर खाएं। रोजमर्रा कामों के दौरान पानी पीती रहें और बेवक्त भूख लगने की सूरत में भुनी हुई मकई, मूंगफली, सेब और फलों को तरजीह दें और पैकेट बंद पापड़ों और दीगर मसनूआत से परहेज करें। एक अच्छी मुतवाजन गजा वर्जिश के बगैर नामुकम्मल है। घर पर रस्सी फैलांगना, बाहर चहलकदमी करना, स्कूल में दौड़ लगाना और वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट और फुटबॉल जैसे खेल खेलना आपकी जिस्मानी और नफसियाती सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। कि खाने पीने की आदतों का ख्याल रखें और अपनी गजाई जरूरियात को अकलमंदी से पूरा करें। अच्छा खाने के साथ साथ अच्छी वर्जिश और खेलकूद को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि आप सेहतमंद और तंदुरुस्त जिंदगी बसर करें।